your RC and your registration number. It's a long queue. फोटो खींचने के लिए खाली। ओ भाई साहब नदी को देखो, फुल स्विंग में। डेजर्ट हिमालयन, डेजर्ट हिमालयन। डेजर्ट हिमालयन नीचे रह गया, तो नीचे जाना पड़ेगा। नीचे किस तरफ? डेजर्ट हिमालय जाना पड़ेगा ना वो। हाँ डेजर्ट। सीधा नीचे जाओ, ठीक है? यहाँ से इस तरफ? सीधा नीचे जाओ। जी। उससे So good morning guys. Wait. It's 9:10 in the morning and aaj hum ja rahe hain Nubra Valley. So थोड़ा चेन को लिब अभी फ़िलहाल लिब्रिकेट कर दिया है, बहुत ही गंदा हो गया था। अभी बस ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे Nubra Valley के लिए। तो Nubra Valley आई गेस यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर्स होंगे और कुछ दो तीन घंटे शायद लगेंगे। तो दो तीन घंटे में हम पहुँच जाएंगे Nubra Valley। विल स्टे देयर टुडे और जितना साइट सींग है वो कर लेंगे। सो बने रहिए, ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे Nubra Valley के लिए। Did you see your RC and your registration number? Your Aadhaar card number. My Aadhaar card number and my Aadhaar card number and bike. Registration is your name, right? Some men don't know your father or something. Yeah. What happens is like, sometimes people say, oh, it's on my brother name, on my father name. But they are not riding the bike. Yeah, I got it. Here it is. No? West Bengal. Yes. My other card, no? Your name is... Abhishek Lama. Abhishek Lama. Huh. No, don't. Abhishek, huh? Be safe, sir. Okay, brother. Thank you. So यहाँ पे जो है, so इस चेक पॉइंट पे आपका गाड़ी का जो पेपर है वो चेक किया जाता है टू मेक श्योर कि आप गाड़ी जो आप चला रहे हो वो आप ही के नाम पे है और किसी और दोस्त या फैमिली के नाम पे नहीं है। तो वो चेक किया है। बाकी दिस इज द रोड which leads to Khardungla Pass, Nubra Valley, Pangong Lake. Oh, bhai saab, kya turning hai. Lake, har jagah beauty hai. एक तरफ आप देखो पूरा बंजर जमीन है और दूसरी तरफ देखो हरियाली हरियाली ही हरियाली है। सो एक तरफ हरियाली और एक तरफ बंजर जमीन। सो बहुत कंट्रास्टिंग है ग्रीन ब्राउन का और भी ज़्यादा सुंदर बनाती है शायद इससे। अब मैंने कल ड्राई क्लीन के लिए अपने सारे कपड़े दिए जो कि एक बस्ता हो गया था, तो उनमें मैंने गलती से अपना ये राइडिंग जैकेट का विंटर लाइनर भी दे दिया। तो आज मेरे पास ना विंटर लाइनर है और ना थर्मल है। तो अगर ठंड मच गई ऊपर तो मेरी वाट लग जाएगी। साउथ पुलु सो यहाँ पे होती है चेकिंग। स्पेशल
हाँ, ये नहीं चाहिए। आप नंबर लिखो लो। अब डिजिटल के चले जाओ, जितना आपके साथ है बंदा। अच्छा। गाड़ियों का नंबर नंबर एंट्री करो एंड। तो अभी हम पूरे बादलों के साथ है और यहाँ से नीचे देख रही कि हिम्मत मेरी नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है बादलों के साथ उड़ रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत ठंड लग रही है अब हाथों में खास करके। अब मेरे पास आज एक ही ऑप्शन है, अब विंटर लाइनर रेन लाइनर लगाने को। थोड़ा विंड शीटर की तरह काम करेगा और हवा को अंदर आने नहीं देगा। देखता हूँ खारदूंगा पहुँच के, वही करूँगा। अच्छा, दिस इस खारदूंगा पास। बाकी लग नहीं रहा हमें कि फ़ोटो भी खींच पाएंगे क्योंकि इट्स सो सो क्राउडेड। इतना जल्दी पहुँच जाएगा सोचा नहीं था। हाँ, कौत तो भीड़ है ना, लाइन लगी रहा था। अच्छा, लॉन्ग क्यू फोटो खींचने के लिए खाली। सो दस ऊपर में वो खारदूंगा घूम पाया। बाकी आप देखो भीड़। हमारा फोटो वोटो खिंचाना हो गया ख़त्म। इट्स एडवाइज्ड कि आप 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए एट दिस एलिवेशन, क्योंकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, नाउ यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ स्नो मेल्टिंग। थोड़ा बहुत बचे खुचे स्नो पड़े हुए हैं और अपना भाई फुल खुश है उस स्नो से खेल के। पूरा क्राउड तो जा रहा है भाई नुब्रा वैली। Finally reached दीक्षित दिस्कित दिस्कित दिस्कित। 2:10 बज गए। दिस इज दिस्कित का मार्केट। दिस इज हाउ इट इज। जो होटल है वो पीछे छूटिया, हम थोड़ा आगे निकल आए। बट भूख लग रही थी तो हमने सोचा एक ब्रेक ले लें, तो जल्दी से नूडल्स खाएंगे। हमने नूडल्स ऑर्डर किया है यहाँ का। सो नूडल्स खाएंगे, नूडल्स खा के फिर वापस होटल जाएंगे। भाई साहब, क्वांटिटी इतना है कि दो आदमी खा ले। तो खाने के लिए भी ऐसा लग रहा है टॉस्ट दिया है। बाकी सभी चीज़ की सुविधा है यार यहाँ पे। नेटवर्क है, जो कि मैंने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट नेटवर्क भी है। दे हैव एटीएम्स हियर, तो आप एटीएम का सर्विस भी है। सो एवरीथिंग इज़ हियर, सो टेंशन नहीं है कोई भी। बाकी हम जब आज खारदूंगा पहुँचे तब ऐसा मौसम हो गया था कि थोड़ा बारिश होने वाली है। और मेरी स्कूल की फ्रेंड है वो भी यहीं पर ले में ही है, तो वो भी आज नुब्रा आई है। तो उन लोग को रास्ते में खारदूंगा में स्नोफॉल मिला हल्की सी, आधे घंटे के गैप में, सोचो। तो वेदर अनप्रेडिक्टेबल है यहाँ पे सही में। अभी यहाँ बारिश हो रही थी, हमें कवर ओवर लगा, फिर धूप निकल गई। वेरी अनप्रेडिक्टेबल वेदर। सो फाइनली मिल गया स्टे डेजर्ट हिमालयन। ये क्या गधा है? क्यों
किस तरफ रखना है भैया बाइक? सीधा भाई साहब धूप। सो दिस इज आवर स्टे, यहाँ पे टेंट। हमने सोचा था कि हम टेंट में नहीं रहेंगे बट कांट हेल्प इट। सो ये टेंट है, बाकी आप डाइनिंग एरिया जो किचन है इनका वो वहाँ है। ये ओपन स्पेस है यहाँ पे, दिस इज़ अ ओपन स्पेस। इवनिंग को आप हैंग आउट कर सकते हो। बाकी आपको जस्ट एक लुक दे देता हूँ, झलकी दिखा देता हूँ अंदर का कि अंदर कैसा है। शाम को आराम से आप यहाँ बैठ के चिल कर सकते हो। यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस है। बाकी दिस इज द रूम, बेड, पंखा दिया है क्योंकि गर्मी बहुत है। एंड दिस इज द टॉयलेट। वो नौ नौ था भूमा रहता नहीं, बहुत क्लीन है टॉयलेट कंपेयर टू अदर टेंट्स। सो बाकी टेंट जो हमने सर्चू वर्चू में रुके थे उससे काफ़ी साफ भी है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। तो बाकी दिस इज़ अ प्लेस। अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि धूप बहुत कड़ी धूप निकली हुई है। सो उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे साइट सीइंग के लिए।